नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस खास शो में। आज बात करेंगे रिजेक्शन की। कई बार रिजेक्शन बहुत सारे रीजन से होता है, पर एक रीजन रहता है कि कोर्स रेलेवेंसी नहीं थी। तो ये एक बड़ा ही अजीब रीजन है जिसे अवॉइड किया जा सकता है, जिसकी वजह से अगर किसी स्टूडेंट को कई महीने रुकना पड़े तो ये बड़ा ही दुखद है। तो इसे किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है और कोर्स रेलेवेंस ना होना किसको कहते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मौजूद है वीजा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत सिंह बाल। रंजीत जी स्वागत। नमस्कार जी। रंजीत जी, कोर्स रेलेवेंसी की वजह से किसी को रिजेक्शन मिलना पहले तो इसलिए दुखद है क्योंकि ये अवॉइडेबल है। ये कहीं ना कहीं काउंसलर की नॉलेज में कमी कही जा सकती है, या स्टूडेंट कई बार कह देते हैं कि हमें यही कोर्स चाहिए और काउंसलर मान जाते हैं। तो इसे किस तरीके से अवॉइड किया जाता है और कैनेडा जो गवर्नमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज है, वो कितनी सीरियसली लेती है इस चीज को? देखिए दीपक जी, एडमिशन को लेकर अगर बात करें तो अगर आपका जो भी कोर्स है आप एडमिशन उसमें लेना चाहते हैं, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कोई ज्यादा इशू नहीं आता, वो आपको एडमिशन में कोई ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करते। लेकिन यहाँ समझना बच्चे के लिए जरूरी है क्योंकि कैनेडा कोर्स की रेलिवेंसी को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। इस चीज को मॉनिटर करते हैं कि बच्चे की प्रीवियस स्टडी क्या थी और आगे वो स्टडी जो करने जा रहा है, क्या पिछली स्टडी में उसने कुछ ऐसा पढ़ा था या वो रेलिवेंसी बन रही है कि नहीं बन रही, क्योंकि बहुत बच्चों के रिजेक्शन इसी बेस पे आते हैं कि उनका जो कोर्स है वो पुरानी स्टडी का अगर कंपैरिजन में देखते हैं तो रेलिवेंट नहीं है। यहाँ बच्चे की भी गलती है और उसने जो कंसल्टेंट यूज किया उसकी भी गलती है, क्योंकि रेलिवेंसी ही कैनेडा का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब वीजा देना। सो वीजा ऑफिसर्स इस क्लॉज को जरूर देखते हैं कि बच्चे की पुरानी स्टडी और जो अपकमिंग स्टडी वो करने आ रहा है उसमें रेलिवेंसी होनी चाहिए। सो कोर्स को लेके बच्चे को भी समझना चाहिए। अगर आपके कंसल्टेंट ने बोला है कि इस कॉलेज में ये कोर्स आपको दे रहा हूँ, आप खुद अपना रिसर्च वर्क भी कीजिए कि वो आपसे मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो उनके लिए बिजनेस का फील्ड जो है वो बहुत अच्छा रहता है, इसमें अच्छे वीजा आते हैं, रेलिवेंट फील्ड बनता है। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड में जाते हैं जो आपकी रेलिवेंसी से मैच नहीं कर रहा तो आगे चल के आपको दिक्कत आ सकती है। आर्ट्स वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो जनरली वो हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड कोर्सेज ऑप्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि वो रेलिवेंसी में भी आता है। सो अगर हम और कैटेगरी के बच्चों की बात करें, मेडिकल वाले बच्चे जो है हेल्थ केयर के कोर्सेज ले सकते हैं। सो ये जरूरी है कि इन चीजों को समझा जाए, जो आपकी प्रीवियस स्टडी है, जैसे आपने लास्ट पढ़ाई की थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेलिवेंट कोर्स चूज करना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्शन इसी बेस पे फेस करनी पड़ेगी। एसओपी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, यहाँ पे आप अपना क्लैरिटी उनको दे सकते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों ऑप्ट किया, आपको आगे बेनिफिट क्या मिलने इस कोर्स के। लेकिन अगर वो कोर्स आपकी रेलिवेंसी में नहीं आता तो आप जितना मर्जी क्लैरिफिकेशन दे दो, आपके वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये देखना ही देखना है कि क्या आपकी प्रीवियस स्टडी में आपने कुछ पार्ट ऐसा पढ़ा है स्टडी का जो अगले कोर्स में रेलिवेंट है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट ऑल ऑफ सडन क्रिएट नहीं होता, जो प्रीवियस वो स्टडी कर रहा होता उसके अकॉर्डिंग ही वो इंटरेस्ट को देखते हैं। सो जरूरी है कि जब भी आपने कंसल्टेंट चूज करना है, कोशिश करो कंसल्टेंट वो हो जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो और जो आपकी बात को समझे और आपको एप्रोप्रिएट गाइड करे। सो वीजा ऑफिस भी 8 साल से स्टूडेंट वीजा की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम कोर्स सिलेक्शन को लेके बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं, बच्चे की रेलिवेंसी को चेक करते हैं क्योंकि कनाडा के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो बच्चे की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग ही हम उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आप भी वीजा ऑफिस के थ्रू अपना कनाडा का वीजा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट tvostudy.com पे जाके क्वेरी फॉर्म सबमिट करके आप अपना एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन ही स्टार्ट करके कनाडा का वीजा लेके वहां पढ़ने का जो आपका सपना है उसका पूरा कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि रंजीत जी ने बताया, कोर्स रेलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मैच करते हैं मेरी प्रीवियस स्टडी से, बट असल में वो टेक्निकली जब एक्सपर्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो मिसमैच है। बिल्कुल दीपक जी, यहाँ मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। देखो कई बार क्या होता है कि आपको सीधा सीधा सिस्टम लगता है कि आपकी रेलेवेंसी बन रही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आप स्टडी करने जा रहे हो उसमें किसी एक सब्जेक्ट का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है और आपका वही सब्जेक्ट आपकी सेकेंडरी एजुकेशन में वीक होता है। सो आपका अगर वो मेन सब्जेक्ट वीक था, आपने उसी से रेलिवेंट कोर्स ले लिया तो भी आपको ऑब्जेक्शन लग सकता है वीजा के ऊपर। सो सिर्फ रेलिवेंसी बनाना इतना नहीं है कि आप डायरेक्ट देख लोगे कि मैंने कॉमर्स किया है तो मैं ए वाला कोर्स ले सकता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे क्योंकि कॉमर्स वाले अकाउंट की स्टडी भी लेते हैं, तो अगर आपका अकाउंट ही वीक रहा है तो अगर आप अकाउंट की स्टडी लेके जाओगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसमें
में वीक हो। सो ये भी जरूरी है कि कंसल्टेंट को समझना पड़ता है कि आपका पॉजिटिव फैक्टर क्या है आपकी एजुकेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपको कोर्स दिलाया जाए तो आपका वीजा रिजेक्ट कभी नहीं होता। इसलिए कनाडा वाले बच्चे नोट कर ले, कोर्स रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए। अगर वीजा लेना है तो कोर्स रेलिवेंसी के ऊपर जरूर फोकस रहना, अपना रिसर्च वर्क भी करना, कंसल्टेंट की एडवाइस भी लो एंड रिसर्च वर्क जरूर करो, चाहे आपका ऑफर लेटर आ चुका है चाहे फाइल लगने वाली है। क्योंकि रेलिवेंसी को लेके अगर वीजा रिफ्यूज होता है तो उसमें कंसल्टेंट की तो गलती है, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आपने कंसल्टेंट सही नहीं चूज किया। सो जरूरी है कि सही कंसल्टेंट से अपना वीजा प्रोसेस किया जाए। सो स्टूडेंट्स, हम बार बार इस चीज पे एम्फेसिस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि एक चीज ये कोर्स सिलेक्शन की रेलेवेंसी की वजह से अगर किसी का वीजा रिजेक्ट होता है तो वो बहुत ही तकलीफ देने वाला है। ये इतना आसान इशू भी नहीं है जितना देखने में लगता है, इसलिए इसके लिए एक्सपर्ट की जरूर जरूरत पड़ती है। सो अगर भी आप भी इस स्टेज पे हैं कि आप कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो आप वीजा ऑफिस की सलाह जरूर ले सकते हैं। धन्यवाद।